नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बहुत खास जानकारी देने जा रही हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपके आसपास आप एक पैनी नज़र रखेंगे तो अनेक दुर्घटनाओं से, अनेक परेशानियों से आप बच सकेंगे। अक्सर लोग अपने में मगन रहते हैं। कई लोगों की आदत होती है ताक झाँक करने की। कुछ दृष्टि से अगर वो पॉजिटिव रूप में ताक झाँक करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे उनको आसपास की पूरी खबर और नज़र रहती है। लेकिन कुछ लोग अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं बोलूँगी कि प्लीज़ 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 आप ध्यान दीजिए आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। अगर कुछ गलत घटित हो रहा है तो उस पर नज़र रख के उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ज़रूर कीजिए। लोगों से मिलिए, अपनी सोसाइटी के अध्यक्षों से मिलिए, पुलिस से मिलिए, सोशल वर्कर से मिलिए, जो आपकी इस समस्या को दूर कर सकें। आइए, क्या हैं वो दिक्कतें मित्रों? आजकल मैं बहुत देख रही हूँ किराए के ऐसे मकान बहुत से ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जिनका ना केवल पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं कराया जाता, मकान मालिक को पता ही नहीं होता कि उनके घर में पीछे से कौन लोग आते जा रहे हैं। अभी मेरे मिलने वालों ने उनके घर में एक मकान, पड़ोस में एक मकान है जो कि एक पुलिस अधिकारी का ही है। अब उच्च अधिकारी हैं या थोड़े कम उच्च अधिकारी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो हैं पुलिस में ही। और उन्होंने एक ब्रोकर को ठेका दे दिया था किराए पे मकान देने का। उस मकान में जब पता चला तो मालूम चलता कि वहाँ पर रात को 12 बजे तक भी लड़के लड़कियाँ, कभी कौन आ रहा है कभी और कौन आ रहा है, आना जाना लगा रहता है, और इससे वो बेहद परेशान हो गई हैं। उन्होंने मुझसे सलाह मांगी तो मैंने वही सलाह दी जो मैं अब आपको दे रही हूँ। इसकी जानकारी जहाँ वो रहते हैं वहाँ से नंबर लेके उनके मकान मालिक को ज़रूर जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा उस ब्रोकर से भी संपर्क करके पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि उन्होंने किसको मकान दिया है कि नहीं। आप आसपास वाले पुलिस स्टेशन में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है तो वो जो लोग हैं आपको संदिग्ध लग रहे हैं तो उनकी जाँच करें, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार मैंने ये भी देखा मित्रों, क्योंकि मैंने सोचने पर मजबूर हुई, और आप भी बताना कि क्या यह सही है कि नहीं। एक सब्जी वाला था जो रोज़ाना सब्जी बेचने आता था, और वो उसको परवाह नहीं रहती थी कि कोई उसकी सब्जी खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, क्योंकि किसी कोई भी सब्जी वाला अगर सब्जी बेचने निकलेगा तो उसका दायित्व है या उसको लगता भी है कि उसकी सब्जी बिके। लेकिन जब कोई सब्जी नहीं बिक रही है, यानी वो किसी और नियत से उस गली में घूम रहा है, चोरी की रेकी भी कर सकता है वो, कि चोरी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो ऐसे लोगों पर भी आप पूरी नज़र रखें। इसके अलावा क्योंकि जो आदमी जिस काम के निमित्त निकला है वो उसकी रोजी रोटी है, और जब वो उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो इसका मतलब उसको पैसे की कमी नहीं है और उसका ध्यान कहीं और है। इसके अलावा जब भी कोई आपके यहाँ पे सेल्समैन या सेल्स गर्ल वगैरह आते हैं तो उनका आई कार्ड जरूर देखें आप कि वो जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी के वो हैं भी या नहीं। इसके अलावा जब भी कोई आपके पास फ़ोन कॉल आता है उसको भूलकर भी आप डिटेल ना देवें। इस बारे में तो वैसे अब जागरूकता आ गई है, लोग समझने लगे हैं कि फ़ोन पर आपको मालूम है फेक कॉल आती है, जो आपके कॉल पूरा आपके बैंक अकाउंट वगैरह के बारे में जानते हैं। लेकिन कई लोग अब जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई भोले लोग अभी भी ये गलती करते हैं, तो इससे भी आपको बचना है। इसके अलावा ये ना सोचें कि पुरुष ही गलत होते हैं, महिलाएं भी कई चोरी करती हैं। सब्जी मंडियों में, दुकानों, साड़ियों की दुकानों में अक्सर चोरी की ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां महिलाओं का पूरा ऐसा ग्रुप होता है जो कि चोरी करता है। तो ये ना सोचें कि महिला है, सीधी साधी दिख रही है, कुछ उसमें वल्गरिटी नहीं है, सिंपल साड़ी पहन रखी है तो उस पर विश्वास कर लो, ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी को जानो नहीं, पूरा किसी पर भी विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। बच्चों को पार्क इत्यादि में ले जाते हो, ऑटो रिक्शा वगैरह में बैठते हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। ऑटो रिक्शा में जब भी बैठो पहले स्वयं बैठो, बाद में आपको बच्चों को बिठाना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आप बहुत सी परेशानियों से बच सकोगे।